नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और इस वक्त हम स्थित हैं अंधेरी ईस्ट में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वबंधु राय जी। मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये मुंबई के कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और ये सुर्खियों में तब आए थे जब इन्होंने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है। और सोनिया गांधी जी को जो इन्होंने पत्र लिखा है उस पत्र में ये था कि जो एनसीपी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह खा रही है और इनकी सामंजस्य से ये सरकार बनी थी। और उसके बाद इन्होंने पत्र लिखा और फिर पत्र लिखने के बाद बहुत सारी चीजें होती है जो कि मतलब पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए बात, पर वो पत्र को सार्वजनिक भी किया गया। इन सब चीजों पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने ये महाविकास आघाड़ी सरकार को, आपकी जो सामंजस्य से सरकार बनी थी उसको एक साल हो चुके थे, वहाँ पर खुशी मनाने की जगह आपने तो सवालों के पुल बांध दिए थे, ऐसा क्यों? सवाल जो हकीकत है वो मैंने अपनी बात रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के नीति के बारे में जानकारी देना जरूरी है, हमको कोई बहुत अपेक्षा नहीं है किसी मंत्री या उसे, जो जानकारी हमने उसको बताने की कोशिश की। हर कार्यकर्ता को भी मालूम होना चाहिए, नेताओं को भी मालूम होना चाहिए, पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसमें नुकसान क्या है, कोई गलत थोड़े है, जो चल रहा है वो बताने की हमने कोशिश की उसको, बार बार की, हर दम पहले भी कर चुकी है, कभी नहीं बोला, कई बार कितनी बार नहीं लोगों को बताया, वो भी ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है जो गुप्त जानकारी थी। अब क्या गुप्त, इसमें क्या गुप्त रहे, इसमें कोई करप्शन थोड़ा है कि गलत बात है। पर आपने एनसीपी को बोला है कि वो आपकी पार्टी को दीमक की तरह खा रही है, जबकि आपके सामंजस्य से ही सरकार बनी है, तो इससे पहले आपको पता नहीं था कि आप अगर इस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो आपकी पार्टी को वो दीमक की तरह खा जाएगी? नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, दीमक की तरह खा रहे, वो हमने सिर्फ अलर्ट किया, हमें अलर्ट रहना, आँख खोल के चलना, न कि पार्टी को नुकसान में डालना है, आपको पार्टी को बढ़ाना है। और इस तरह से अगर हम घबराते रहेंगे तो फिर तो मुश्किल है पार्टी को पढ़ना, और हमारे को कोई बहुत अपेक्षा नहीं कि भाई इससे क्या होने वाला, क्या होने वाला, हम एक वर्कर है, हमने अपनी बातें सार्वजनिक इसलिए की है कि सबको मालूम होना जरूरी है, जिससे पार्टी के अंदर जागरूकता आ जाए और वर्करों में भी मैसेज आए, ऊपर भी जो लीडर बैठे हैं, जो हमारे मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है, और अदर लीडर है उनको भी जानकारी इसकी बारीकी होनी जरूरी है कि भाई आज तक हमने उस पर कुछ बोला क्यों नहीं, तो वो ठीक है, हमने उसको बताया। उस पत्र में ये भी लिखा गया है और राय जी ने खुद भी बोला है कि जो चुनाव के दौरान जो कांग्रेस ने वादे किए थे कि वो चीजें पूरी करनी है उस पर काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा, तो आप इसके बारे में क्या? तीनों के जो ज्वाइंट में वादे बने हैं उस पर भी ध्यान दे रहा है, जो हमारी पार्टी के वादे अलग से मेनू पे थे उस पर भी हमको ध्यान दे रहा है कि क्या हुआ अभी तक, किस एजेंडे पे हमने काम किया, कितने एजेंडे पेंडिंग है, कितने हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के किया, उसमें क्या काम हुआ, उसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कहाँ तक गया, उसका क्या बेनिफिट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या आगे और क्या करना है जो बाकी है, इस विषय में अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने। जब आपने सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा उसके बाद वहाँ से उन्होंने क्या बोला, क्या बात की आपने? अभी तक इस तरह का कोई बातचीत नहीं हुई, अभी उनकी चर्चा चल रही है आपस में, सब लोग मेरी बातों को जो लेनी चाहिए गंभीरता से ले रहे, नहीं ले रहे वो उनका विषय, मेरा काम है सिर्फ एक वर्कर के हैसियत जो पार्टी को बता रहे वो मेरे बताने का काम किया। तो अभी एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस पार्टी अभी क्या काम कर रही है मुंबई? तो जो सरकार में वही बताएंगे कि क्या काम कर रहे हैं, हम क्या उसमें बताएंगे, जो मिनिस्टर है जो मंत्री वो बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारा बचा हुआ, तो उनकी तरफ से जानकारी आएगी, नहीं आएगी तो वो जाने। पर अभी जो मुद्दों की जो आपने बात उठाया कि चुनाव के दौरान जो भी मुद्दे उठाए गए थे और जो काम करना था, जो वादे किए गए थे जनता से उसको पूरा करने के लिए, अभी कोई कदम ऐसा उठा है या नहीं उठा? फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये पार्टियां बैठकर कर क्या रही हैं? ये तो उनको कुछ नहीं, मैं उसमें क्या पूछूं? पर आप भी उस पार्टी के हिस्सा हैं। ठीक है, मेरे पास वो थोड़ी जिम्मेदारी, मंत्रालय की जिम्मेदारी मेरे पास थोड़ी, जिनके पास वो जानकारी देगी उसमें। तो ये थे हमारे साथ विश्वबंधु राय जी, जो कि सोनिया गांधी को पत्र लिखकर काफी चर्चा में थे, काफी हड़कंप को मचा हुआ था, तो आज हमने उनसे बातचीत किया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि पार्टी में किस तरीके से काम नहीं किया जा रहा था, इसलिए उस पत्र को सार्वजनिक किया गया, अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बताया। एचएम न्यूज के साथ।